अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं मोहम्मद इलियास, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यार आज मेरा मुजाहिद कॉलोनी की तरफ आना हुआ है, जहां पर इंक्रोचमेंट हुई है वही 40-50 साल, तो आप चेक कर सकते हैं ये यहां के क्या मनाज़िर हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो रोड सामने से आ रहा है, ये आ रहा है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ से, और ये अंदर आप टूवर्ड्स आएंगे मुजाहिद कॉलोनी। ये मुजाहिद कॉलोनी है भाई, तोड़ फोड़ हुई है। अच्छा एक मस्जिद है, इसको भी इन्होंने शहीद नहीं किया है, इसको बिल्कुल भी इन्होंने शहीद नहीं किया। अभी वो कह रहा है इसको रबी अव्वल के बाद इसको भी शहीद करेंगे ये लोग। बाकी इसके साथ जितने घर थे ये आप सब चेक कर सकते हैं, ये सब शो इन लोगों का इन्होंने गिरा दिया सामने मशीनरी के ज़रिए, एक्सीवेटर के ज़रिए। बाकी इन लोगों को टाइम दे दिया है शायद, तो ये लोग अपनी मदद आपके तहत अब सामान निकाल रहे हैं, अपने सरिये निकाल रहे हैं, दरवाजे खिड़कियाँ इसको सेट कर रहे हैं प्रॉपर। अच्छा भाई, मुजाहिद कॉलोनी के सामने ये इकरा यूनिवर्सिटी भी देगा, आप देख सकते हैं आप, ये इनके सामने ऑपोजिट इकरा यूनिवर्सिटी है, और ये मुजाहिद कॉलोनी की थोड़ फोड़ हुई है सामने। ये जो रोड जो अंदर जा रहा है पूरा सफाया कर दिया गया अंदर हर जगह का, आपको आगे चल के दिखाता हूँ मैं। ये चेक करें भाई, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी गिरा दी है इन लोगों ने। लाइन से सारी बिल्डिंगें तोड़ दी हैं भाई। भाई लोगों ने मजदूर लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, अब सामान निकाला जा रहा है। ये देख लें ऊपर लोग, भाई शो उनका टूट चुका है, ऊपर ये मीटिंग चल रही है इन लोगों की, सामने आप नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी। पर जिस घर पर आपकी नज़र पड़ेगी सब पे यही काम चल रहा है जहाँ तक। अच्छा बहुत बड़ी आबादी है इस तरफ, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो घर देख रहे हैं सामने आप, इसके ऊपर टेलीफोन टावर लगा हुआ है, इस टावर को भी उतारा जा रहा है, इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। नज़र आया आप लोगों को ये बंदे? तो ये घर जब गिरेगा यहाँ से तो टावर भी ऑटोमेटिकली हटेगा यहाँ से। अगेन वही बात करूँगा, ये 50-60 से बैठे हुए थे, अब ये इनको उठाया गया अपने से, बाल पता नहीं सही उठाया नहीं उठाया, आप लोग बेहतर बता सकते हैं। इनको परमिशन दी क्यों जाती है उस टाइम? ये दोनों तरफ रोड गया। अच्छा यहाँ भी एक मस्जिद है भाई, इस मस्जिद को भी अब तक शहीद नहीं किया, इसको भी रबी अव्वल के बाद ही शहीद करें शायद। अच्छा भाई आप लोगों को जो मैं नज़ारे दिखा है वो यहाँ से मैं भी अंदर आया हूँ, इस जगह से मैं अंदर आया हूँ, तो अंदर आके जितना आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सब तोड़ने का कहा जा रहा है, जो लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि मेन ये बरसाती नाला है जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट। ये राइट हैंड पे जितना दिख रहा है इन सबको तोड़ने का कहा जा रहा है, आप देख रहे हैं सब तोड़ भी दिया है लोगों ने, बल्कि सब सफाया हो जाएगा यहाँ पर। भाई बहुत बड़ी आबादी हो रही है, हर जगह यही काम चल रहा है, आप देख रहे हैं बिजली वाले भी आए हुए हैं जहाँ पर पोल्स निकालने का काम होगा। भाई एक साफ से बात भी हो कह रहे हैं, ये पूरा नाले पे बना हुआ है, ये जो राउंड अबाउट आप लोगों को दिख रहा है ये भी नाले के ऊपर है। इसको भी कम किया जाएगा, हाँ, इसको भी कम किया जाएगा। पूरी बिल्डिंग जाएगी भाई, इसको मजदूरों के ज़रिए इसको गिराया जा रहा है, और ये राउंड अबाउट जो दिख रहा है आप लोगों को इसको भी कम किया जाएगा, इसके अंदर से जो झूले वूले हैं इन सबको हटाया जा रहा है। देखें बिजली वाले भी आए हैं, सब खम्भे वम्भे निकाल रहे हैं। ये घर के अंदर जनरेटर रखा होता, जनरेटर को यहाँ से लेके जाया जा रहा है।
एक क़यामत खेज़ मंजर है भाई यहाँ पर। देखें अभी ट्रक पे लोड किया जाएगा जनरेटर, क्या करें, लोगों को अपना सामान तो लेके जाना है ना यहाँ से। रोड के दोनों तरफ यही हाल है भाई। भाई जगह यहाँ हुसैन लखानी हॉस्पिटल भी है यहाँ पर, और ये सामने सब मुजाहिद कॉलोनी भी थोड़ थोड़ जो इंक्रोचमेंट है। अगर हम इस रोड पे चल रहे, जब जिस रोड से मैं निकल रहा हूँ, ये मुजाहिद कॉलोनी से मैं निकल चुका हूँ। अब ये सब देखें ट्रांसफार्मर निकाले जाएंगे यहाँ से। ये भाई गाड़ी एक्सीवेटर साहब आ चुके हैं। ये अलहुदा स्कूल है शायद इनका, ये जनरेटर कंपाउंड है या क्या है, शायद इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं ये। भाई एक स्वेटर वाले को कह रहा है भाई इंतज़ार किस चीज़ का है, इसको हिट करो। डीसी साहब भी आ चुके हैं, डीसी सेंट्रल हैं या कौन से हैं पता नहीं है, जी डीसी सेंट्रल ही हैं एक। अच्छा तो भाई दोस्तों भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि भाई ये वीडियो सबको समझ में आ गई होगी, जो लोग ये वीडियो देखेंगे भाई, यानी इसका मतलब ये हुआ कराची में जो भी इंक्रोचमेंट है वो नहीं बच सकती, चाहे वो 50 साल की हो 60 साल की हो, किसी भी अरसे ही क्यों ना हो, उसको डिमोलिश, उसको ख़त्म होना ही है। तो भाई ऐसे लोग एहतियात करें भाई, जहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिया करें। तो बस यही मेरा मैसेज है, बस अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। बाकी अल्लाह हाफिज़।